हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अनिशा फैमिली। कैसे हो दोस्तों आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज फिर मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक निटिंग का बहुत ही न्यू और आसान सा डिजाइन। देखिए, ये डिजाइन देखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना बिल्कुल ही इजी है। इवन अगर आप बिगनर हैं और आपको सिर्फ एक उल्टा और एक सीधा बनाना आता है तो भी आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये आप जेंट्स स्वेटर में भी डालेंगे तो भी अच्छा लगेगा, लेडीज कार्डिगन और बच्चों के स्वेटर में तो खासकर ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको 13 के मल्टीपल्स प्लस 2 इस तरह से अगर आप फंदे कास्ट करेंगे तो आपके ये किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में इजिली सेट हो जाएगा। तो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो हम सारे फंदे सीधे बुनते हुए ही अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेंगे। हमें ये सिलाई सीधे बुनते हुए इसे कंप्लीट कर लेना है। सारे फंदे हमें सीधे बुनने हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली। अब हमारी रॉन्ग साइड से ये सेकंड रो है। इसमें हम सारी सिलाई ये उल्टे उल्टे फंदों की बुनते हुए हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, देखिए, ये मैंने अपनी सेकंड रो कंप्लीट कर ली। अब हमारी राइट साइड से थर्ड रो है। इसमें हम पहला फंदा इस तरह से उतार लेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो ये हमारे इस तरह से दो फंदे सीधे हो गए। अब हम धागा अपनी तरफ करके 11 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 फंदे सीधे बनने के बाद हम ये दो फंदे सीधे बुनेंगे धागा पीछे करके। ये देखिए, अब इसी पैटर्न को फिर से रिपीट करेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और 11 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और धागा पीछे करके ये दो फंदे सीधे बुनेंगे। और ये हमारी थर्ड रो है। थर्ड रो और फिफ्थ रो हमें एक जैसी इसी तरह से बनानी है और जो फोर्थ रो है और सिक्स्थ रो है वो हमें इसी तरह से बनानी है। तो अब हमारी ये थर्ड रो कंप्लीट हो गई। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारी फोर्थ रो है और ये जितनी भी अब हमारी रॉन्ग साइड से जितनी भी फोर्थ रो से जितनी भी अब हमारी रॉन्ग साइड से जो भी आएगी सिलाई वो हमें जो उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा इस तरह से बुनना है। जो भी हमारी रॉन्ग साइड से जो भी सिलाई आएगी वो सारी हमें रो जैसा फंदा हमें जैसा दिख रहा है वैसा बुनना है। जो उल्टा दिख रहा है वो उल्टा बुनना है और जो सीधा दिख रहा है वो सीधा बुनना है। ये देखिए, हमने दो फंदे सीधे बुने थे तो उनको हमने उल्टा बना लिया और अब हम 11 फंदे सीधे बुनेंगे। तो इस तरह से हम अपने ये रो कम्प्लीट करेंगे, 11 फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे बनाते हुए। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारी अब फिफ्थ रो है। फिफ्थ रो जिस तरह से हमने थर्ड रो बनाई थी हमें इसी तरह से बनानी है। पहला फंदा इस तरह से उतारा और एक फंदा सीधा बुना और 11 फंदे उल्टे बुनेंगे और दो फंदे सीधे बुनेंगे जैसा हमने थर्ड रो में किया था। इसी तरह से अब हम ये अपनी फिफ्थ रो बनाएंगे और सिक्स्थ रो हम इस रॉन्ग साइड की सारी भी जो रो आएंगी हमारी इवन नंबर की वो सारी हम उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बुनते हुए अपनी रॉन्ग साइड वाली रो कम्प्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारी अब राइट साइड से सेवेंथ रो है। इसमें हम पहले इस तरह से एक फंदा उतार लेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो ये हमारे दो फंदे इस तरह से सीधे हो गए। फिर हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 और धागा पीछे करके हम 7 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 फिर हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 इस तरह से। देखिए, ये हमारी यहां से ये डिब्बी स्टार्ट हो जाएगी इसके अंदर से ही। फिर हम दो फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 फिर हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 और फिर जो ये बीच के हैं ये हम 7 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 फिर हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 और लास्ट के ये जो फंदे हैं ये दो फंदे हम सीधे बुनेंगे।
तो इस तरह से हमारी ये रो कंप्लीट हो गई। अब 8th रो हम इसी तरह से जिस तरह से हमने सारी ये बनाई है उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा इस तरह से हम अपनी ये 8th रो कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए अब हमारी 9th रो है राइट साइड से, ये हम पहले एक फंदा बिना बुना उतार लेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। ये हमारे दो फंदे सीधे हो गए, अब हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो, फिर दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो, और बीच में हम तीन फंदे उल्टे बुनेंगे। तो यहां से जो है ये हमारी डिब्बी का जो ये सेंटर वाला है ये हमारी ये तीन फंदों का बनेगा। तो इस तरह से हमारी ये डिब्बी बन जाएगी, एक दो तीन, ये तीन फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर हम दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो, और अपनी तरफ धागा करके दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो, और फिर धागा पीछे करके दो फंदे सीधे। तो जिस तरह से हमने ये पैटर्न रिपीट किया इसी तरह से फिर करना है, धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो, धागा पीछे करके दो फंदे सीधे बुनेंगे, और फिर धागा अपनी तरफ करके तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन, और फिर धागा पीछे करके दो फंदे सीधे, और धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे बुनेंगे, और धागा पीछे करके जो ये लास्ट के दो फंदे इन्हें भी हम सीधा बुन लेंगे। अब हमारी ये 10th रो है, ये हम उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा जिस तरह बुनते हैं इस तरह से अपनी ये रो कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स देखें ये हमारी अब राइट साइड से 11th रो है, और ये जिस तरह से हमने ये 9th रो बुनी थी इसी तरह से बुननी है। पहला फंदा इस तरह से बिना बुना उतार लेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे, एक दो, फिर धागा पीछे करके दो फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन, फिर धागा पीछे करके दो फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे बुनेंगे, और फिर धागा पीछे करके ये दो फंदे सीधे। फिर इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे, धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे करके दो फंदे सीधे बुनेंगे, और धागा अपनी तरफ करके तीन फंदे उल्टे बुनेंगे। अब ये तीन फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर हम धागा पीछे करेंगे और दो फंदे सीधे बुन लेंगे, और धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे, और धागा पीछे करके लास्ट के जो ये दो फंदे बचे हुए इन्हें भी हम सीधा बुन लेंगे। और अब हमारी रॉन्ग साइड से 12th रो, हम जो भी फंदा हमें जैसा दिख रहा है उसी तरह बुननी है, उल्टा दिख रहा है उसे उल्टा बुनना है और जो सीधा दिख रहा है वो सीधा बुनना है। फ्रेंड्स ये देखिए अब हमारी ये राइट साइड से 13th रो है, ये हम पहला फंदा सीधा इस तरह से बिना बुना उतार लेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमारे दो फंदे सीधे हो गए, फिर धागा अपनी तरफ करके फिर हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो, फिर जिस तरह से हमने यहाँ पे नीचे किया था इसी तरह से हम ये जो हमारे ये सात फंदे बीच के इन सातों को हम सीधा बुन लेंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात। तो इस तरह से जो हमारी ये डिब्बी थी देखिए यहां से ये इस तरह से बंद हो जाएगी। फिर धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो, फिर धागा पीछे करके हम दो फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे बुनेंगे, और धागा पीछे करके हम ये सात फंदे सीधे बुनेंगे, दो तीन चार पांच छ सात। ये सात हमारे दो फंदे ये सीधे थे, दो ये सीधे थे, चार और तीन बीच के उल्टे थे, तीन वो सात। इस तरह से हमारे ये बीच के सात फंदे सीधे हो गए। फिर धागा अपनी तरफ करके हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे और धागा पीछे करके ये दो फंदे सीधे बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये रो कंप्लीट हो गई। अब हमारी रॉन्ग साइड से जो ये रो है इसे हम जैसा फंदा जैसा हमें दिख रहा है वैसा ही बनाना है। फ्रेंड्स ये देखिए अब हमारी राइट साइड से 15th रो है, और ये हमें उसी तरह बुननी है जिस तरह से हमने 3rd रो बुनी थी। ये पहला फंदा हमने इस तरह उतार लिया और दूसरा फंदा इस तरह से सीधा बुन लिया, फिर हम अपनी तरफ धागा करके और 11 फंदे हम उल्टे बुनेंगे जैसा कि हमने अपनी 3rd रो में किया था। ये देखिए बीच के सारे फंदे उल्टे बुनेंगे, ये बीच का हमारा सेंटर का ये सीधा आ रहे दो फंदे, यहां तक हम 11 फंदे हैं, ये हम सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, और ये 11 फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर हम दो फंदे सीधे बुनेंगे।
और फिर इसी तरह से करेंगे। ये फिर बीच के हमारे ये 11 फंदे हैं, इन्हें भी हम उल्टा बुन लेंगे। और ये लास्ट के जो हमारे एज के फंदे रह गए, इन्हें हम दोनों को सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये रो कंप्लीट हो जाएगी। और नेक्स्ट रो जो हमारी रॉन्ग साइड से है, ये आप इसी तरह बुन लें, जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा ही बुन लें। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी ये राइट साइड से 17th रो है, ये हमें इसी तरह से बुननी है जिस तरह से हमने अपनी 15th रो बुनी थी। पहला हमने फंदा ऐसे उतार लिया, फिर एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे और फिर इसी तरह से फिर हम 11 फंदे उल्टे बुनेंगे। जिस तरह से हमने 15th वाली रो थी उसमें इस तरह से किया था, 11 फंदे उल्टे बुने थे और 2 फंदे हमने सीधे बुने थे। तो इस तरह से 11 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे बुनते हुए हम अपनी ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अब ये 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे और फिर हम धागा अपनी तरफ करके ये 11 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। फिर धागा पीछे करके हम 2 फंदे ये सीधे बुन लेंगे। और जो हमारी लास्ट की ये 18th रो है, ये हम जो फंदा जैसा दिख रहा है रॉन्ग साइड से वैसा ही बुन लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने ये रो भी कंप्लीट कर ली और ये देखिए बनने के बाद ये डिजाइन इस तरह से लगेगा। ये देखिए ये स्वेटर में तो अच्छा लगता ही है, इवन ये बेबी ब्लैंकेट या फिर आप अपनी कोई शॉल बना रहे हैं तो उसमें भी ये डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है। ये स्क्वायर की ये डिब्बियां या डिब्बियों वाला डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है। आई होप आप लोगों को मेरा ये डिजाइन और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन उसे जरूर हिट करें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं इसी तरह किसी न्यू निटिंग पैटर्न के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।